दोस्तों आप देख रहे हैं टोयोटा की ऑल न्यू प्रीमियम ऑल व्हील ड्राइव फुल साइज एसयूवी। इसका नाम है टोयोटा हैरियर 2020। दोस्तों टोयोटा अपनी हैरियर लाइनअप की लेटेस्ट एसयूवी को ग्लोबली लॉन्च कर रहा है और ये डायरेक्टली कम्पीट कर सकती है टाटा हैरियर, एमजी हेक्टर, जीप कंपस और किया सेल्टॉस से। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एसयूवी है। ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया जा रहा है आपको इसमें। पावरफुल आपको इसमें हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड एसयूवी है। काफ़ी बेहतरीन प्राइस के साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है। वहीं टोयोटा हैरियर में आपको एक बोल्डर और मस्कुलर लुक थीम देखने को मिलेगी। प्रीमियम अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। एक क्लासिक लुक के साथ आपको देखने को मिल रही है एसयूवी। रियर से अगर हम बात करें तो एक क्रॉसओवर का लुक इसको दिया गया है और कहीं ना कहीं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर का लुक भी इसमें देखने को मिलेगा। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्पोर्टी और एलिगेंट फीचर्स की। ओवरऑल लुक्स इसके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं फ्रंट का लुक इसका एक स्पोर्ट्स कार की तरह दिया गया है। मतलब एक वाइड मैश ग्रिल दी गई है जिसमें आपको नैरो फ्रंट हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। वहीं काफ़ी ज़्यादा आपको रियर में टेल लाइट्स में मिल जाएंगी 3D एलिमेंट्स। वहीं फ्रंट में आपको डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। मतलब ओवरऑल इसका एक एसयूवी स्टांस तो है और टोयोटा फॉर्च्यूनर से काफ़ी बेहतरीन लग रही है और उससे काफ़ी कम प्राइसिंग में इसे इंडिया में लॉन्च किया जाना चाहिए। वहीं इसका डिज़ाइन कहीं ना कहीं लेक्सस से भी इंस्पायर्ड लगता है। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ है 4.72 मीटर्स की, इसकी विड्थ है 1.8 मीटर्स की, इसकी हाइट है 1.6 मीटर्स की, व्हील बेस है इसका 2.66 मीटर्स का और इसका टर्निंग रेडियस भी 5.6 मीटर्स का है। कर्व वेट है इसका 1.6 टन्स का और फ्यूल कैपेसिटी है 60 लीटर्स और बूट स्पेस है 440 लीटर्स का। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एसयूवी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एसयूवी है। इंटीरियर्स आप देख सकते हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। राइट हैंड ड्राइव हमें इसमें स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। वहीं इसकी बात करते हैं इसके इंजन की तो इसमें आपको 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 152 BHP की। इसमें आपको एक हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलता है जो कि 197 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है वो। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की तो पहला इसमें आपको मिल जाएगा 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दूसरा मिलेगा आपको इसमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और तीसरा मिल जाएगा आपको इसमें टोयोटा का ही सुपर CVT i ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि काफ़ी ज़्यादा लीनियर ड्राइव के लिए बेहतरीन होता है। इसमें आपको एक फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन जो कि फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन इस साइज की गाड़ी के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। इसमें फोर व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे कि हम इसके इंटीरियर्स में देख रहे हैं इसके कैबिन में हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। मतलब कम्फर्ट की इसमें कोई भी कमी नहीं की गई है चाहे फ्रंट और रियर सीट्स की बात करें। ये जैपनीज मार्केट की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एसयूवी है और अब ये ग्लोबली लॉन्च की जा रही है। इंटीरियर्स में आपको सॉफ्ट ब्लू एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको इसमें डैशबोर्ड मिल जाएगा जो कि कलर TFT स्क्रीन होने वाली है। 8 इंचेस उसका साइज होने वाला है और उसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ मिल जाएगा। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा और JBL का ऑडियो सिस्टम मिलेगा आपको इसमें 11 स्पीकर्स वाला। वहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। प्रीमियम लेदर सीट्स आपको देखने को मिलेगी और इंटीरियर्स में जो मटेरियल्स यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन लग रही है जिससे इसे एक लग्जरी टच देखने को मिलता है। वहीं टोयोटा इसमें क्रूज कंट्रोल भी ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ भी दी जा रही है, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और वहीं इसमें हमें मिल जाता है पावर टेलगेट जो कि इसके सबसे बड़ी USP है। सेफ्टी फ्रंट में बात करते हैं तो 7 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं, फ्रंटल और साइड कर्टेन एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ESC इसके टॉप ऑफ द लाइन V8 में ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की और क्या ये इंडिया में आ सकती है। इसकी ग्लोबली जो अनवीलिंग की जाएगी फर्स्ट टाइम वो की जाएगी न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में जो कि अप्रैल 2020 में शेड्यूल्ड है। यानी कि फर्स्ट टाइम ग्लोबली इसे तभी अनवील किया जाएगा और इंडिया में ये 2 से 3 साल में आ सकती है क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंपिटिटर्स पहले से ही आ चुके हैं जैसे कि MG की हेक्टर, किया की सेल्टॉस और इसकी प्राइस भी नियर अबाउट 12 to 15 लाख हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एसयूवी है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये पसंद आई है या नहीं आई है। बाकी मैं ये श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ कि ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है। बाकी आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।